सुबह का अर्थ केवल सूर्योदय नहीं होता, यह सृष्टि की खूबसूरत घटना है जहां अंधकार को मिटाकर सूरज नई उम्मीदों का उजाला फैलाता है। क्योंकि उनके लिए सवेरे नहीं होते जो जिंदगी में कुछ भी पाने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। उजाला तो उनका होता है जो बार बार हारने के बाद भी कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं। इसलिए कहिए लव यू जिंदगी। ठंड का मौसम है, ऐसे में सर्दी खांसी की समस्या तो आम है, लेकिन अगर लगातार कई दिनों तक खांसी आ रही है, साथ में बलगम की शिकायत है, तो सावधान, ये ब्रोंकाइटिस हो सकता है, इसे नजरअंदाज न करें। सांस से जुड़ी इस बीमारी में योग यानी कि योगासन, खासकर प्राणायाम बहुत कारगर है। आज हम बात कर रहे हैं ब्रोंकाइटिस के बारे में। ब्रोंकाइटिस श्वसन नली या ब्रोंकियोल ट्यूब्स से होने वाली समस्या है जिसमें इन ट्यूब्स में स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसके मुख्य कारण में वायरस और बैक्टीरिया का अटैक और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। इनके लक्षणों की अगर बात की जाए तो खांसी के साथ बलगम, सांस लेने में परेशानी, ब्रेथ शॉर्टनेस और सांस लेते समय वीजिंग साउंड का आना है। तो आइए जानते हैं कुछ योग अभ्यास जो ब्रोंकाइटिस के कंट्रोल और प्रिवेंशन में लाभकारी। पहला अभ्यास वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया। प्रारंभिक स्थिति समस्थिति, श्वास भरते हुए सामने की ओर से अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाएं, अपनी कोहनियों को कान के साथ लगाएं और चेस्ट वाले भाग को पीछे की ओर खींचें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं। अब श्वास भरते हुए अपनी दोनों भुजाओं को कंधे के स्तर तक ऊपर उठाएं, अपनी हथेलियों को पलटें, श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को पीछे की ओर लेकर जाएं, गर्दन को भी पीछे झुकाएं, हथेलियों को पीछे की ओर ले जाएं, उंगलियों को अंदर की दिशा में मोड़ लें, श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएं। अगला अभ्यास कटी चक्रासन। अपने पैरों में कंधे के जितना अंतर दें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को कंधे के स्तर तक ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए कमर से दाईं ओर घूम जाएं, दाईं भुजा को सीधा रखें, बाईं कोहनी मुड़ी हुई और अपने दाएं हाथ के अंगूठे को देखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए एक बार पुनः इस अभ्यास को बाईं ओर से भी दोहरा जाएं। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं और विश्राम करें। यह आसन आपके इंटरकोस्टल मसल्स को स्ट्रेच करता है, आपकी थोरैसिक स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है, ब्रोंकाइटिस के मैनेजमेंट में सहायक है। अगला अभ्यास गोमुखासन। गोमुखासन के लिए धीरे से बैठ जाएं। हम यहां गोमुखासन का सरलीकृत अभ्यास करेंगे। अपनी कमर गर्दन को सीधा कर लें। अब श्वास भरते हुए धीरे से अपनी दाईं भुजा को ऊपर उठाएं, अपनी कोहनी को मोड़ें और हाथ को पीछे की ओर ले जाएं। अब अपनी बाईं भुजा को भी मोड़ें और हाथ को पीछे की ओर ले जाएं।
अपने हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाने का प्रयास करें और हाथों को पकड़ने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। जिन्हें फ्रोजन शोल्डर की समस्या हो, गर्दन का गंभीर रोग हो, वह इस अभ्यास को सावधानी से करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं। अब इस अभ्यास को बाईं ओर से भी दोहरा जाएं। श्वास भरते हुए बाईं भुजा को ऊपर उठाएं, कोहनी मोड़ें, बाएं हाथ को पीछे ले जाएं और दाएं हाथ को भी पीछे की ओर ले जाएं। हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाने का प्रयास करें। ध्यान रखें कमर गर्दन को सीधा रखें। यह अभ्यास चेस्ट मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, म्यूकस ड्रेनेज में हेल्पफुल है, इसलिए ब्रोंकाइटिस मैनेजमेंट में सहायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आए और विश्राम करें। अगला अभ्यास भुजंगासन। भुजंगासन के अभ्यास के लिए धीरे से पेट के बल लेट जाएं। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सामने की ओर लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए अपनी कोहनियों को मोड़ते हुए दोनों हाथों को चेस्ट के समीप रखें। ध्यान दें कोहनियां शरीर के साथ सटी हुई हों। आप धीरे से श्वास भरते हुए अपनी गर्दन, कंधे और चेस्ट वाले भाग को ऊपर उठाएं। ध्यान दें केवल नाभि से ऊपर के भाग को ही ऊपर उठाएंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। जिन्हें हर्निया की समस्या हो, जिनके एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, प्रेग्नेंट वुमेन, हाई बीपी की समस्या हो, वह इस अभ्यास को ना करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं और विश्राम करें। यह अभ्यास आपकी रेस्पिरेशन की इंटीरियर मसल्स को स्ट्रेच करता है, आपकी थोरैसिक स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ब्रोंकाइटिस के मैनेजमेंट में सहायक है। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। इसके लिए धीरे से करवट लेकर उठकर बैठ जाएं। अपनी कमर गर्दन को सीधा कर लें। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। अपनी चेस्ट मसल्स को, नेक मसल, शोल्डर मसल्स को रिलैक्स करें। अब लंबा गहरा श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर खींचेंगे। कपालभाति आपके म्यूकस ड्रेनेज में हेल्पफुल है, आपकी रेस्पिरेटरी मसल को स्ट्रेंथन करता है, ब्रोंकाइटिस के मैनेजमेंट में सहायक है। जिन्हें हाई बीपी की समस्या हो, हर्निया की समस्या हो, वह इस अभ्यास को ना करें। अगला अभ्यास नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए अपने बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा और दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। आंखों को कोमलता से बंद करें। अपने अंगूठे से दाई नासिका को बंद करें और बाई नासिका से धीरे से श्वास लें। फिर दाई नासिका से धीरे से श्वास बाहर। दाई नासिका यानी कि राइट नॉस्ट्रल से ही धीरे से श्वास लें और बाई नासिका से धीरे से श्वास बाहर। इस प्रकार नाड़ी शोधन प्राणायाम की एक आवृत्ति पूर्ण हुई। चार आवृत्तियां इसी प्रकार और कर जाएं। अपनी कमर गर्दन को सीधा रखें। लंबा धीमा गहरा श्वास अंदर और बाहर। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके शरीर मन को संतुलित करता है,
ब्रोंकाइटिस के मैनेजमेंट में सहायक है। कोशिश करें जितने समय में श्वास लें उतने ही समय में श्वास छोड़ें। अपने शरीर के भीतर हो रहे परिवर्तन को अनुभव करें, अपनी श्वास में आए परिवर्तन को अनुभव करें। धीरे से आंखें खोलें। यह योगाभ्यास ब्रोंकाइटिस के मैनेजमेंट में सहायक है। धन्यवाद। ब्रोंकाइटिस को मैनेज करने के लिए डॉक्टर से उपचार करवाना बेहद जरूरी होता है, लेकिन इसमें एक बड़ा हाथ है आपकी जीवन शैली का, आपके आहार विहार का। जी हाँ, सही खान पान कैसा हो इस पर निर्भर करता है कि आपकी समस्या कितनी ज्यादा बढ़ती है या कितनी घटती है। तो चलिए चलते हैं हमारे डाइट सेगमेंट में और देखते हैं कि ब्रोंकाइटिस के जो मरीज होते हैं उनका कैसा होना चाहिए आहार विहार। आज हम बात करेंगे ब्रोंकाइटिस की। ब्रोंकाइटिस जब भी होता है दो तरह का होता है, चाहे एक्यूट या क्रॉनिक। एक्यूट जो होता है वो हमारा 2 वीक से लेके हमारे 4 हफ्ते तक रह सकता है। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? अगर आपको ब्रोंकाइटिस हुआ है तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, या आपको छाती पे बलगम जम जाएगा, या आपकी नाक बंद रहेगी। तो क्या इसके अंदर, और बहुत लोगों को बहुत फ्रिक्वेंटली ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम होती रहती है, तो क्या कुछ कोई ऐसी डाइट या लाइफस्टाइल चेंज है जिसे हम लेने से ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम को हम क्योर या कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसे कि मैं बोलती हूँ, आपकी किचन जो है वो सबसे बड़ा आपका एक मेडिकल स्टोर है। तो उसमें आपको अगर ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम रहती है तो आप तुलसी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जैसे कि सुबह खाली पेट 3 से 4 पत्ते तुलसी के छोटे छोटे तोड़ के आप पानी से ले सकते हैं। उसके अलावा ओरिगेनो जो आपको कहीं पे भी मिल जाता है, बहुत इकोनॉमिकल होता है, आप सुबह 1 चम्मच ओरिगेनो को पानी से गल्प कीजिए। उसके अलावा पेपरमिंट टी बहुत ज़्यादा लाभदायक देखी गई है ब्रोंकाइटिस के लिए। तो आप 1 से 2 कप पेपरमिंट टी पूरे दिन में से आप ले सकते हैं। उसके अलावा टर्मरिक, हमारी हल्दी, क्योंकि हल्दी जो है वो एक नेचर का बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। उसके अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट बहुत बेनिफिट्स दिखते हैं। तो आप सुबह आधा चम्मच हल्दी पानी से ले सकते हैं और लंच के बाद और डिनर के बाद ले सकते हैं। ये आपकी छाती को खोल के रखेगी और ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम से आपको दूर रखेगी। और क्या खाने में आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं? खाने में आप जिंक के फूड प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, आप हरी सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, आप अंडे भी ले सकते हैं, आप स्पाइसी चीज़ें जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, इतना ही लीजिए ताकि आपको पाइल्स या किसी और की प्रॉब्लम ना हो। और स्पाइसी सबसे बेस्ट है कि जब भी आप लंच या डिनर करते हैं उसके साथ हरी मिर्ची ले सकते हैं। और हरी मिर्ची को आपको चबाना नहीं है, आप रोटी तोड़िए, सब्जी लगाइए, हरी मिर्ची का पार्ट आप गल्प कर लीजिए, क्योंकि जो हरी मिर्ची होती है ये ब्रोंकाइटिस में विटामिन सी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको दूर रहना है? आपको ठंडे खाने से दूर रहना है, जैसे कि आप आइसक्रीम हो गई, या फ्रिज से निकला हुआ तुरंत खाना हो गया, या आइस वाटर हो गया, इसका सेवन कम से कम या ना के बराबर कीजिए। उसके अलावा अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो हफ्ते में से आपको 2 बारी नॉनवेज लेना है, जिसमें से रेड मीट आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। और जिनको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम रहती है उनको स्मोकिंग से बिल्कुल दूर रहना है, बिकॉज जितनी आप स्मोकिंग करेंगे उतना बलगम आपका बढ़ सकता है। तो बस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का आप अपनी लाइफस्टाइल में ध्यान रखिए और देखेंगे कि ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम से भी आपको निजात मिल जाएगी। और कहते हैं ना, फिटनेस है तो सब कुछ मुमकिन है। आपने जरूर सुना होगा कुछ बच्चों में, यहां तक कि बड़े लोगों में भी बेड वेटिंग की समस्या होती है। बेड वेटिंग का उपचार करने से पहले इसका कारण पता होना बेहद जरूरी है। एक बार अगर इसका सही कारण पता चल जाए तो इससे छुटकारा पाना बेहद आसान होता है। बेड वेटिंग का उपचार करने के पहले इसके कारण का पता लगाएं और उसके बाद इसका उपचार करें। चले चलते हैं हमारे मेंटल हेल्थ के सेगमेंट में और जानते हैं कि समस्या के पीछे आमतौर पर कारण क्या होते हैं और कैसे इनसे निजात पाई जा सकती है।
आज मैं बात करना चाहती हूँ कि बच्चों में जो बेड वेटिंग होती है, जो 7-8 साल के बच्चे होते हैं वो अभी तक टॉयलेट ट्रेन नहीं हो पाते और बेड वेट करते हैं। तो मेरे पास राहुल आए थे, 8 साल का बच्चे थे जो, अपने माँ बाप के साथ। उनके माँ बाप बहुत परेशान थे कि राहुल स्कूल जाने में भी कतराता है, क्योंकि उसे होता है कि कहीं वो कंट्रोल कर पाए ना अपना ब्लैडर, और वो कहीं ट्रैवल भी नहीं कर पाते हैं, किसी के घर जाएं और वहाँ पे बच्चा टॉयलेट ट्रेन ना हो, कंट्रोल ना कर सके। तो बेड वेटिंग भी काफ़ी एक कॉमन इशू है बच्चों के अंदर, जिसका हमें ध्यान रखना है। और ये मोस्टली तब होती है कि जब बच्चे डरे होते हैं या परेशान होते हैं। राहुल से अलग से बात करने में मुझे पता चला कि पैंडेमिक में जब वो घर पे था सारा टाइम, तो उसके माँ बाप आपस में बहुत लड़ते थे। वो जब रात को सो रहा होता था और ऊंची ऊंची आवाज़ों में अपने माँ बाप को लड़ते हुए सुनता था, तो वो डर जाता था। उस डर की वजह से वो वहीं पे ही सुसु कर देता था। उसे ये भी डर लगता था कि अगर मैं गया बाथरूम तो शायद मेरी आवाज़ से उनको पता ना चल जाए कि मैंने कुछ सुना है। देखिए, हमें लगता है कि हम अपने कमरों में बात कर रहे हैं, बच्चे को असर नहीं होगा, आवाज़ नहीं जाएगी, मगर ये बेड वेटिंग मोस्टली इसलिए होती है क्योंकि बच्चा डर जाता है, या कोई अब डरावनी चीज़ उसे दिखती है, या कोई टीवी का ऐसा वो शो देखता है जिससे उसे घबराहट हो जाती है, या ऊँची ऊँची आवाज़ों में उससे बात करी जाती है, उसे डराया जाता है, उसे डांटा जाता है, बच्चे डर जाते हैं और ये बेड वेटिंग हो जाती है। ये भी है कि आप ज़रूर मेडिकल डॉक्टर को भी दिखाइए कि किस वजह से बेड वेटिंग हो रही है, मगर बेड वेटिंग बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल रीज़न से भी होती है, और इसके लिए आप ज़रूर स्कूल में भी बात करिए, पता करिए कि कोई हादसा तो नहीं हुआ है, कोई बच्चे उसे कुछ डरा तो नहीं रहे हैं, कुछ कह तो नहीं रहे हैं, क्योंकि बेड वेटिंग एक साइन है कि बच्चा घबराया हुआ है और वो अपने आप को हैंडल नहीं कर सकता। देखिए, वो बच्चे को वैसे ही लो कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि कहीं कंट्रोल ही नहीं हो रहा उसका ब्लैडर, तो एक सोशल एंजाइटी भी हो जाती है बड़ी ओके कि भी कैसे मैं बच्चों की पार्टियों पे जाऊं, बर्थडे पार्टी पे जाऊं, या कैसे मैं कोई ट्यूशन पे जाऊं, या कोई नई चीज़ सीखूं जैसे आर्ट क्राफ्ट, क्योंकि हो सकता है कि मैं कंट्रोल ही ना कर सकूं अपने आप को। तो देखिए, ये चीज़ें ना हमें मजाक में नहीं लेनी चाहिए, या बच्चा अगर बेड वेट करे तो हमें उसे डांटना नहीं चाहिए और उसे बुरे बुरे नाम से बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे के हाथ में नहीं होता। हमें बल्कि सहानुभूति दिखानी चाहिए, बिल्कुल हाथ नहीं उठाना बच्चे के ऊपर, बच्चा और करेगा बेड वेटिंग अगर आप हाथ उठाएंगे तो बच्चे को समझिए, उससे बातचीत करिए, पता करिए कि वो क्यों डरा हुआ है, क्यों परेशान है, और उसे बेशक आप एक मेडिकल डॉक्टर के, एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के ज़रूर लेके जाइए, जिससे हम उसकी ये समस्या हल कर सकें। आप अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। नमस्कार। कल से सीखें, आज के लिए जिए और कल के लिए उम्मीद करें, क्योंकि आज है जो वही सच है, कल जो होगा वो एक उम्मीद होगी, लेकिन जिंदगी एक उम्मीद के सहारे है। हर दिन जिंदगी का करिए आगाज इसके साथ कि जिंदगी का हर लम्हा हो बेहतर, और आप कहिए लव यू जिंदगी। Let it go.